मामला सामने आया है जहां ग्रामीण और पुलिस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में एक ग्रामीण महिला ने दो पुलिस कर्मियों पर रेप का आरोप लगाया, वहीं पुलिस कर्मियों ने बंधक बनाकर मारपीट का। पुलिस के अनुसार राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा पुलिस को सूचना मिली कि एक टेम्पो ट्रक अवैध शराब लेकर जा रही है। छापीहेड़ा पुलिस का एक दल और डायल 100 उस ट्रक का पीछा करने लगी। उस ट्रक वाहन ने टक्कर मारकर एक पुलिस कर्मी को घायल कर दिया। छापीहेड़ा पुलिस वाहन का पीछा करते हुए खिलचीपुर थाने के बामन गांव में घुस गई। बामन गांव में ग्रामीणों ने पुलिस दल को घेरकर उनकी आंखों में मिर्ची फेंक दी और पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़कर उनके साथ मारपीट भी की। ग्रामीणों ने पुलिस को बंधक बनाकर जबरन शराब पिलाई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि छापीहेड़ा पुलिस गांव में एक आरोपी को ढूंढने उसके घर पहुंची। घर में उसकी बहन अकेली थी। अकेली बहन को देखकर पुलिस वालों ने उसे थाने चलने को कहा। थाने का कहकर पुलिस वाले उसे ले गए और दूर ले जाकर सुनसान स्थान पर दो पुलिस कर्मियों ने उसके साथ बलात्कार किया। आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, कौन सच बोल रहा है और कौन है जो सच को छुपा रहा है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। गश्त में हमारी ड्यूटी लगी थी, इंफॉर्मेशन पे हम भवन गाँव गए। वो हमारे साथ इस तरह की हरकत, साथ घूम लिया, 10-15 लोग आए थे। पहले सबसे पहले उन्होंने मिर्ची फेंकी और ब्लड बरसाना चालू कर दिया और जैसी मिर्ची फेंकी वैसी चाबी गाड़ी की। कितने पुलिस कर्मी थे आप और कितने? सिर्फ दो थे गाड़ी में उसमें, और बाकी जो एक और था हमारे साथ वो उस घटना को देखी। वो निकल सर, वो क्या मेरी बहन हमारे रोड वाले मकान पे सो रही थी अकेली, तो पुलिस वालों ने जाके दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद में ये जैसे ही उठी तो पूरा मकान चेक करा पुलिस वालों ने, और मकान चेक करने वाले के बाद इसे बोला कि तेरा भाई कहाँ है। इसने बोला कि वो वहीं घर पर है, तो किचन में उसके साथ, तो इसके साथ जबरदस्ती करी। इसने बोला कि मैं उसे यही बुला लूँगी, यहाँ तू बैठ के साथ चल। तो इसका ब्लाउज पकड़ा, वो एक ऐसा ही है टू स्टार, उन्होंने इसके साथ झूमा झटकी करी। वो दोनों हाथ पकड़े, नहीं बिठे तो जबरदस्ती चल थाने पे लेके चलेंगे। तो ये खिलचीपुर थाने के समझ के जबरदस्ती से बिठा के और सोनगढ़ा तरफ ले जाने लगे। तो इसने बहुत चिल्ला चोट करी, तो आसपास पड़ोस वाले का मेरे पास फ़ोन आया कि तेरी बहन को पुलिस बिठा के लेके जा रहे। तो मैं रस्ते में गया तो ये इसके साथ झूमा झटकी कर रहे थे। कितने लोग थे? 6-7 लोग थे, तो दो पकड़े गए सर। दो को मैंने क्या गाड़ी की चाबी निकाल ली, भगने लगे ना, तो एक गाड़ी को तो लेके भग गए और एक गाड़ी की चाबी मैंने निकाल ली। इसलिए वो दोनों और नशे में भी थे ना, तो गाड़ी में कितने लोग नशे में थे? दो लोग नशे में थे सर, और कम से कम गाड़ी में उनके 10-15 क्वार्टर रखे थे। अच्छा, हाँ।